हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज हम UPPCS 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी उसके प्रश्न पत्र को लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह देश और राजधानी से संबंधित पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं है। तो मोरक्को की रबात, ट्यूनिशिया ट्यूनिस, अल्जीरिया का अल्जीरियस और केप वर्डे का बमबाको बमाको, जो डी है वो गलत है। इसके बाद भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ। इस बार जो प्रश्न पूछा गया है वो सबसे अजीब बात यह है कि कोई भी प्रश्न सेक्शन वाइज नहीं पूछे गए हैं। दो प्रश्न पॉलिटी के पूछे गए हैं, फिर साइंस का प्रश्न बीच में डाल दिया गया है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बीच में डाल दिया गया है, जिसे भारत के किस भाग, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पार्ट 9। एक बड़ा अजीब सा प्रश्न पूछा गया है कि भारत संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। फिर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पदाधिकारियों को हटाने में संसद कोई भूमिका नहीं होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इस बार पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें 3 से 4 प्रश्न जो हैं वो आर्टिकल बेस्ड है, कि सीधा सीधा आपको मैच करना है कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। अब जैसे प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। अब सतर्कता आयोग के लिए संविधान में कोई भी अनुच्छेद है ही नहीं, ठीक है। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को आपको क्रमवार सीरियल से लगाना है। कौन से सुमिलित नहीं है आपको पार्ट दिया गया है, और मौलिक तक राज्य, भारत के महान्यायवादी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो जो ड्यूटी है वो 4A में है। जो राज्यों का वर्णन है वो पार्ट 6 में है। जो भारत का महान्यायवादी है, अटोर्नी जनरल है, उनको इन्होंने दिया है भाग 13 में, जबकि आपको पता होना चाहिए कि किस में आ जाता है, यूनियन में, यानी कि भाग 5 का हिस्सा होता है, इसलिए जो सी है वो गलत है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद पूछे गए हैं। सबसे बड़ी कौन संसदीय समिति होती है, यानी जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं, ना बहुत इजी हैं या ना और ना बहुत टफ है। मैं आपको सारे प्रश्न दिखला दे रहा हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस केस में दिया गया था, केशवानंद भारती, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, काफ़ी फेमस था। यानी कि अनुच्छेद बेस्ड जो यूपी का अपना ट्रेंड है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न लॉकडाउन से भी पूछा गया है।
करंट से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जब डूइंग बिजनेस से प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश जो स्पेसिफिक प्रश्न होते हैं स्टेट स्पेसिफिक, उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं इस बार। करेंट अफेयर्स से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं।